हे गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार। तो इसी के लिए रेडी हो रही हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, फर्स्ट टाइम देखूंगी तो अपना भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। सो बने रहिएगा आप लोग व्लॉग में। फटाफट से रेडी होती हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा, तो फिर जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। चेंज भी करना है और मेकअप भी मैंने हाफ कर लिया है, मतलब हाफ कर लिया है मतलब कि मैंने सब कुछ लगा लिया है, बेस वगैरह। अब मैं जल्दी से आपको रेडी होकर मिलती हूँ। बस मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, काफी वेट मेरा लूज हो गया है एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कौन से झुमके पहनो, यही वाला झुमका पहन सकती हूँ। झुमके नहीं भूलोगे, बरेली के झुमके भी तो लेने हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गई। ये लोग कोई भी इस पे कैरी कर सकते हैं। ओके सो चलिए जल्दी से निकलते, फटाफट रिक्शा पकड़ेंगे और वहां से मेट्रो लेके। बहुत गर्मी हो रही है गाइस। फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई, जल्दी से जाके टिकट लेती हूँ और फिर वहाँ से हम जल्दी से पहुँचते हैं। नर्वस तो हूँ थोड़ी सी, बाहर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का, तब तो पता चलेगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने टिकट ले लिया, टिकट खरीद ली है 40 रुपीज़ पर पर्सन वाली। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो 35 रुपीज़ डिडक्ट होगा। तो चलिए फिर देखते हैं एंट्रेंस, वहाँ पर नज़र आ रहा है, वहाँ से एंट्री करते हैं और ये कूपन में दिखा देते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम जब अंदर आए तो हमने ये देखा कि 3 एंट्रेंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है ना फॉरेनर्स का है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। बस डायरेक्ट एंट्री होगा, ऐसा वाला बैग ज़्यादा चेक नहीं किया, बड़े वाले बैग जो बैक पैक होते हैं वो चेक किया। एंट्री स्टार्ट हो गई है, मैंने माइक आज लाया नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा आवाज़ जो है कम ज़्यादा पकड़े। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, जैसे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब किला जैसा पूरा बनाया गया है, लेकिन सीन बहुत अच्छे हैं, मतलब चारों तरफ हरियाली भी है, चारों तरफ अलग अलग सीन्स हैं और एकदम से देखकर ना अलग ही ऐसे आ रहा है जैसे कि बस यहाँ पर ये शूट होना चाहिए, बस यहाँ पर मेरे दिमाग में यही चलता है देख देख करके। चलिए आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या है। रील्स वैसे देखेंगे, शूट किए तो किए, बिकॉज ना ऐसा है कि गर्मी की वजह से सारा लुक तो ख़राब हो ही गया, मेकअप पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन ये खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान है। जो यहाँ की दीवारें हैं, ये पूरा जो बना हुआ है ना, इतना पुराना लग रहा है, इतना पुराना बहुत ही गहरा कुआ है तो सीरियसली मुझे हाइट से इतना डर लगता है, लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ, देना यहाँ मोबाइल देना मुझे, कंटिन्यू रखते हैं। देखिए ये देखिए गाइस, यहाँ से देख पाएगा ये कितना गहरा है। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, सीरियसली गाइस एकदम पैर कांप रहे हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा पैर कांप रहे हैं, बाप रे। सूखा कुआ है, सूखा बस ठीक है, यहाँ पे वैसे ढक के रखा हुआ। अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है, इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ओके गाइस, तो जैसे कि अभी हम अलाई मीनार के यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है और ये बोला है कि ये बनते बनते आधी अधूरी छोड़ दिया था, इसकी पहली मंजिल भी पूरी नहीं करता, इसकी ऊंचाई को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश में थे, जो कि उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए तो फिर नहीं बन सका आगे। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, ओह माय गॉड, इसकी जंजीर देखो, ये भी काफ़ी, इसके पत्थर देखो, पत्थर हैं ये सीढ़ियाँ, एकदम आंखों को इतना सुकून मिल रहा है देख करके, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पुराना किला हम देख रहे हैं। पहले खुला हुआ था, पहले जाने दिया जाता था, खुला हुआ था, हाँ, पहले जाने देते थे, हाँ, तो कुछ रीजन से अभी पूरा कर दिया होगा गैरी। और यहाँ पे कब्रें भी हैं जो बहुत साल तो हो गए, मतलब बहुत पुराना टाइम हो गया, ऐसे ही उनके नाम से कब्र पूरी है यहाँ पर, और वो सच में दफन किया गए थे यहाँ पर। आगे की चीजें देखते, वैसे तो यहाँ पर बहुत अलग अलग, बहुत अलग अलग जगह है, मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉर्नर कॉर्नर में भी चीज़ें हैं, ये पूरा पार्क भी है, बहुत सारा कुछ है देखने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग ना करते हुए हम छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करें, जो मेन मेन है जैसे कि है और बाकी वहाँ पर भी है। तो गाइस, एक छोटी सी बात बताने के लिए मैंने कैमरा ऑन करवाया है, यहाँ पर ना जैसे जूम हो सके तो हम दिखा सके, जूम करना,
तो यहाँ पर कुछ लवर्स ने अपने अपने नाम नंबर लिख के गए, कुछ लवर्स ने नाम नंबर ये सब ऐसे लिख लिख कर गए हैं। तो हमारे कैमरामैन ने भी बोला देखिए बहुत ही ज्यादा सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं नहीं नाम मिट गया है बहुत। अच्छा, वैसे दिल्ली में बहुत सारी जगह राजधानी है भाई, राजधानी है, मजा आता है मुझे। मतलब राजधानी सोच के इतनी रिस्पेक्ट होती है कि नहीं मुंबई नहीं दिल्ली राजधानी में जाना है। अच्छा लग रहा है सब देख के। मैंने टीवी वगैरह में देखा और दिल्ली आकर ये सारी चीज़ें भी देखी। खूब ये दरवाज़ा भी मैंने पूरा ही देख लिया है। कितना डीप दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा, इसके नीचे आता है पूरा ये। अच्छा यहाँ से दिख रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ से फिर इसको पैक कर दिया है। हाँ, ओपन था। हाँ, इसके नीचे। ओके, स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी सुल्तान गढ़ी मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मतलब कि ये तो मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पॉज करके पढ़ना। तो बस उनके ही अंदर उनके नाम पर ही वो कब्र बनाई गई है और अंदर ना कलमा भी लिखा हुआ है और अंदर में काफ़ी चीज़ें भी हैं। पहला कलमा भी लिखा हुआ है अंदर, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये टी शर्ट बनाए हैं। अच्छा है बेद भी ना हो तो ये पूरा पैक करा हुआ है, वरना नापा हाथ भी लगते रहते हैं। का ताजमहल भी संगमरमर से बनाया गया है, ये भी संगमरमर से बनाया गया है, पूरा वो दरवाजे पे लिखा हुआ है। ओके गाइस, कल मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था, ये कुतुब मीनार का मेन जो आप लोगों को दिख रहा है इतना ऊंचा, तो यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था कि जो दो भाई बहन थे वो हिंदू थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ के ना 7 चक्कर है पूरे ऊपर, तो 7 चक्कर लगाए लगाते वो ऊपर पहुँच गए। तो उसके बाद से बंद कर दिया गया, और बंद करने का रीज़न दूसरा ये भी है कि बहुत सारे सुसाइड भी अटैम्प्ट किए जा रहे थे, उसके बाद से इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और अंदर मशाल जलती थी बीचों बीच, जलाकर छोड़ दिया जाता था, फिर जो लोग घूमने आते थे वो ऐसे जा सकते थे, बट सुसाइड वगैरह भी हुआ तो उस वजह से बंद कर दिया गया। बाकी आप लोग आगे सिनेमैटिक शॉट्स देख लेना, हम तो यहाँ पे एंजॉय कर लिए। बहुत बदबू है, पता नहीं जाले भी तो ये अलग ही जमाने के जाले दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिर ये सारा यही सब रिपीट रिपीट है। बस ऐसे प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारी जगह है दिल्ली में, मैं तो मतलब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। ये रात में लाइट्स भी ऑन होती है यहाँ पर, और बस हरियाली हरियाली है, अच्छा लग रहा है। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा हवा भी रुकी है लेकिन ठीक लग रहा है, बहुत गर्मी थी। लव स्टोरी सबकी छपी हुई है। विष्णु, प्रेमेश, अतुल, काजल बेवफा, अरे बाप रे इंटरेस्टिंग, काजल बेवफा ऐसे वैसे करना तो नहीं चाहिए पर गाइस ये देखिए बेवफाई के किस्से यहाँ लिखे जा रहे हैं। वो गेट कितना, मतलब ये आधा अधूरा ही सब रह गया। हाँ। खिलजी का टॉम, खिलजी नाम है ना, खिलजी हाँ। अलाउद्दीन खिलजी का ये टॉम रहा है, तो उनको दफन रखे हैं यहाँ पे। ये देखो एहसान फराम, नहीं एहसान साजिद, चलो लड़कों लड़कों का भी नाम लिखा है, चलिए कि लवर्स का दोस्तों का भी नाम लिखा है। बंद है, पहले ये भी खुला रहता था, मतलब इधर से वैसे ऊपर जाओ। हाँ, वहाँ से फिर ऊपर चल निकलता। सीढ़ियाँ तो काफी अच्छी है, मतलब ऐसे गाउन पहन के यहाँ पे एकदम रानी जैसा वो कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे लग रहा है कोई आदमी की मूर्ति जैसे, ऐसे शेप हो गया कि बस अलग ही दिख रहा है।
वैसे लाइटिंग थोड़ी सी कम थी. ओके सो आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. वैसे भी मैं यहाँ पर पहली बार ही सब चीज़ें देखने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी वैसे वैसे दिखाऊंगी. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फाइनली एग्जिट हो गए. जैसे आए थे शायद वैसे ही निकले, नहीं दूसरी तरफ से निकले हैं ना. यहाँ पर से सारी एरोप्लेन्स जा रही है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर नज़दीक है एयरपोर्ट. यहाँ से न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट होगा ना आई थिंक, जहाँ से मैं गई थी शायद, इंदिरा गांधी. हे गाइस, सो अभी मैं एंडिंग कर रही हूँ. एक्चुअली मैं इस टाइम पे अब जा रही हूँ घर, मेट्रो स्टेशन पे हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से. अभी मेट्रो आ रही है, मतलब मेट्रो के पास खड़े रहकर तो मैं शूट कर रही हूँ अकेले साइड में मोबाइल रख के. बिल्कुल बस 2 मिनट है मेट्रो में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.